तीन तलाक और निकाह के मामले में हुई कार्यवाही। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दामाद और पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नजीबाबाद में औषधि विभाग की छापेमारी, टीम ने हसन मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया। बिजनौर में कार से जंगल जा रहे किसान को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गोली लगने से घायल हुए किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांदपुर पुलिस ने बास्टा से चार माह पूर्व लापता युवती को सकुशल किया बरामद, युवती के बरामद होने से पुलिस और परिजनों ने ली राहत की सांस। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया जाएगा विधानसभा सम्मेलन का आयोजन। चांदपुर में 6 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे पूर्व राज्य मंत्री स्वामी ओमवेश। धामपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में लगाया गया निःशुल्क कैल्शियम चेकअप कैंप, कैंप में सैकड़ों ने कराई कैल्शियम की जाँच। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े को सफल बनाने के लिए चांदपुर में बुलाई गई ग्राम प्रधानों की बैठक, बैठक में उप जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास कार्यों की जांच करने ताजपुर पहुंची जांच टीम, पंचायत सदस्यों ने की थी गांव के विकास कार्यों की जांच कराने की मांग। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नगीना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में अभाविप कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध को लेकर सिहोरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला। नजीबाबाद की गन्ना समिति में किया गया 3 दिवसीय सट्टा प्रदर्शनी मेले का आयोजन। नजीबाबाद के आदर्श नगर स्थित शिव मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत कथा में भक्तों की उमड़ रही भारी भीड़। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर रामपुर में किसानों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी सौंपा। फिर विवादों में घिरे आजम खान, पड़ोसी को धमकाने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान, भांजे और ड्राइवर सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत और ईरान की समान विरासत पर रामपुर के रजा लाइब्रेरी में किया गया गोष्ठी का आयोजन, गोष्ठी में भारत ईरान के रिश्तों पर की गई चर्चा। बिजनौर में व्यापारियों ने किया बंद का ऐलान, बंद को सफल बनाने के आह्वान को लेकर व्यापारियों ने निकाली बाइक रैली।